दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए सेकंड T20 मैच की पूरी हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 का दूसरा T20 मुकाबला 26 जनवरी 2020 में ईडन पार्क के स्टेडियम में खेला जा चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा मुकाबला खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 132 रन बना सकी। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड टीम की स्वाद बहुत ही खराब रही, जब मार्टिन गप्टिल का विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि मार्टिन गप्टिल इस मुकाबले में 33 रन के आउट हो गए, जबकि कॉलिन मुल्लर भी इस मुकाबले शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए और न्यूजीलैंड टीम के लिए इस मुकाबले में 25 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। दोस्तों कुछ देर बाद ही हमें केन विलियमसन का विकेट भी देखने को मिला। तो दोस्तों आपको बता दें कि केन विलियमसन इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 20 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही कोरेंडी ग्रैंडो भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली थी रॉस टेलर और टिम सैबट की तरफ से। लेकिन दोनों बल्लेबाजी भी शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जिसमें रॉस टेलर ने इस मुकाबले में 24 गेंदों में 18 रन की पारी खेली, जबकि टिम सैबट ने इस मुकाबले में अंत में जाकर शानदार बल्लेबाजी करी और न्यूजीलैंड टीम के लिए 26 गेंदों में शानदार 33 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका जबकि दो शानदार छक्के शामिल थे। दोस्तों जिसके कारण न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 20 ओवर में 132 रन पहुंच गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले शानदार बॉलिंग हमें देखने को मिली जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की तरफ से। दोस्तों जिसके बाद चेस खेलने की टीम इंडिया की स्वाति बहुत ही खराब रही, जब रोहित शर्मा का विकेट बहुत ही जल्दी गिर गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा पहले T20 मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, जबकि इस मुकाबले में भी सिर्फ 8 रन आके आउट हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा के विकेट के बाद ही हमें विराट कोहली का विकेट भी देखने को मिला। तो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली भी इस मुकाबले शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए और इस मुकाबले में सिर्फ 11 रन के आउट हो गए। लेकिन इसके बाद हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की तरफ से। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाज ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया को इस मुकाबले को बहुत ही आसान तरीके से जितवा दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही टीम इंडिया 5 मैचों की T20 में 2-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों वही बात के दोनों टीमों के आज की मैच की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों पहले नंबर पे आते केन विलियमसन, दूसरे नंबर पे आते मार्टिन गप्टल, तीसरे नंबर पे आते कॉलिन मुनरो, चौथे नंबर पे आते टिम सैफर्ट, पांचवें नंबर पे आते रॉस टेलर, छठे नंबर पे आते कोलिंडी ग्रैंडोम, सातवें नंबर पे आते मिचेल सैंटनर, आठवें नंबर पे आते टीम सऊदी, नौवें नंबर पे आते ईस सोडी, दसवें नंबर पे आते ब्लेड टिकनर, जबकि 11वें नंबर पे आते हमीस। तो दोस्तों न्यूजीलैंड टीम की प्लेइंग 11 थी जो कि आज के मैच में हमें खेलते हुए दिखी। दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले नंबर पे आते विराट कोहली, दूसरे नंबर पे आते रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पे आते केएल राहुल, चौथे नंबर पे आते श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पे आते मनीष पांडे, छठे नंबर पे आते शिवम दुबे, सातवें नंबर पे आते रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पे आते शार्दुल ठाकुर, नौवें नंबर पे आते जसप्रीत बुमराह, दसवें नंबर पे आते युवेंद्र चहल, जबकि 11वें नंबर पे आते मोहम्मद शमी। तो दोस्तों टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है जो कि हमें आज के मैच में खेलते हुए दिखी। दोस्तों अगर आप भी इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, और वहीं बात के मोबाइल ऐप की तो आपको सभी मुकाबले देखने को मिलेंगे हॉटस्टार और JioTV के ऐप पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक तीसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।